छठ पूजा एक ऐसा त्यौहार जो ज़िंदगी में जो भी काम हम लोग कर रहे हैं वो सारा काम इसमें दिखाता हूँ। भगवान का गुड़ से बना है, दूध से, सिर्फ गुड़ काजू किशमिश। अच्छा ठीक। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू चैनल। तो आज का जो कंटेंट है वो थोड़ा हटके है। छठ पूजा कैसे होता है, क्या क्या नियम होता है, वो सब मैं बताने वाला हूँ। माँ छठ पूजा हर साल करती है, तो वो इस बार भी कर ही रही है। आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा वो बाहर का रूम है जो हर साल हमें न्यू कलर करवाना पड़ता है दिवाली के बाद ही, ताकि छठ पूजा की जितना भी सामग्री है इस रूम पे रखा जाए। गैस पे नहीं बनेगा, आम की लकड़ी पे खाना बनता है। चूल्हा देखो। और माँ तो शुरू से बताओ कि छठ पूजा में उपवास कब तक होना पड़ता है, आई मीन कितने दिन उपवास रहना पड़ता है? आज सुबह से उपवास किया, शाम को खरना किया। अच्छा, कल को लाओ भात था ना? हाँ। पहला दिन शुरू होता लाओ भात से। हाँ। तो लाओ भात में भी उपवास रहना पड़ेगा? नहीं, लाओ भात में सुबह नहा धोआ के खाना बना के लाओ भात गोभी का सब्जी ठीक है बना के खाने होगा, ऑनियन गार्लिक नहीं जाएगा। हाँ। फिर शाम को भी खाएंगे, उसके बाद सुबह से सारा दिन उपवास। अच्छा, उसके बाद डायरेक्टली आज को दूसरा दिन खरना, शाम को सब चीज खरना हो जाए। खरना का प्रसाद है। ओके, खरना का प्रसाद वो तो हमने खा लिया अभी, जैसे कि वीडियो पे मैंने दिखाया। ये खरना का खीर। सो यहाँ हम लोग पूजा किया ना। हाँ। तो ये पूजा का नाम खरना है, तो उसी का प्रसाद हमको खाना है। ये लेडीज नहीं खा सकती है ना, सिर्फ लड़का लगेगा। ओके, सो खरना हो गया डन आज का। कल शाम को हमें जाना है। नहीं, ये वाला देख, ये देखा। ओके, सो आज के दिन दो खीर बनी है, एक दूध का और एक बिना दूध का। तो बिना दूध का है वो ठाकुर को चढ़ाते हैं विद केला। तो ये आज का हमारा प्रसाद है जो मैं अभी खाने वाला हूँ। चाय पीने जा रहे हैं खरना के लिए। सो वो अभी बस चाय ही पी सकती है, शरबत फल वल कुछ भी नहीं। सो चाय पी ले। कल शाम को हमें जाना है घाट। सो कल को मैं दिखाऊंगा कि हमारा घाट कैसे सजाते हैं, साफ सफाई करते हैं। मिलते हैं कल सुबह। यार गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी आज को 30 तारीख है, आज शाम को ही हम लोग को आना है यहाँ पे। सो दिन का पहला रूल, ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग छठ पूजा करते हैं। वहाँ पे एक लेक है, उसके पास में जाके दिखा दूँगा। सो बेसिकली छठ पूजा के जो 3 बेस पे बांटा गया है ना, फर्स्ट डे, मतलब इसको 4 भाग पे बांट दो आप। दिवाली के बाद घर रंग हो जाएगा, घर रंग हो जाने के बाद घर पर नॉनवेज वगैरह नहीं घुसेगा। सेकेंड, लाव भात जो कि परसों था। खरना जो हम लोग कल थे, जो मैंने वीडियो पे दिखाया। एंड आज हमें शाम को जाना है सारा सामग्री लेके, एंड कल को सुबह को जाना है। वहाँ पे होता है छठ पूजा ख़त्म। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घाट बनाने, क्योंकि जिस घाट पे हम लोग बैठ के पूजा देने वाले हैं ना, तो वो घाट पे को थोड़ा सजाना है, तो साफ़ सुथरा करना है, पानी को भी साफ़ रखना है। सो ये एक जगह है माँ मंगलम पार्क, जहाँ पर हम लोग बुक करते हैं हर साल घाट अपना। तो अपने फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स के फैमिली हम लोग एक साथ आके पूजा देते हैं। तो ये वो जगह है। तो घाट चले दिखाता है आपको, पहले वो साफ़ सफाई हो जाए। बहुत इजी है, बस मज़ा भी है बहुत। इससे हम लोग का घाट कुछ ज़्यादा दिखता है, ये मिट्टी से। सो फिलहाल मैं इस मुटके के साथ जा रहा हूँ मिट्टी लाने, क्योंकि हमें वो इसको क्या बोलते हैं जो मिट्टी से बनाते हैं हम लोग? घाट ना, क्या बोलता है उसको? तेरे को कुछ भी नहीं मालूम। सो वो बनाना है फाइनली हम लोग को। सो इसलिए मिट्टी लाने जाना है। एंड हमारा घाट उस तरफ में, वहाँ पे हमारे फ्रेंड्स लोग। जो मोमेंट होता है ना, हम लोग सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं जब हम लोग घाट बनाने आते हैं सुबह सुबह दोस्त लोग के साथ। तो ये मोमेंट में अलग वाइब्स है। तो जितने भी घाट में जो लोग भी पूजा करते हैं ना, इस तरह का हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे पूजा होता है। वीडियो के स्टार्टिंग पे जैसे मैंने कहा था कि लाइफ में जो भी हम लोग करते हैं वो सारा छठ पूजा का ही भाग है। तो क्लीनिंग सबसे पहले आती है, जो हम लोग घाट को साफ़ करते हैं, पानी को भी साफ़ करते हैं, ताकि पूजा काफ़ी अच्छे से हो जाए। उसे सजाने की भी कोशिश करते हैं। तो नीट एंड क्लिनलीनेस एंड साफ़ सफाई ये बहुत ज़रूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि यहाँ पे टीम वर्क देखा जाता है, यूनिटी देखा जाता है, कि सारे दोस्त एक साथ दिखा दे। यूट्यूब में आने वाला यार, तो टीम वर्क भी देखना है। तो छठ पूजा में आपको सारा टीम वर्क मिलेगा जो यहाँ पे होता है। यहाँ तक कि आसपास में जितने भी घाट हम लोग वहाँ तक भी साफ़ कर ही देते हैं। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया से एक बॉन्डिंग रहता है इस पर। फाइनली घाट बनाना हो गया। अभी हम लोग शाम को फिर 4:30 बजे आने वाले हैं। तो अभी वापस घर का कुछ काम सब कुछ सेट करने के बाद शाम को फिर आएंगे। ये हमारे फ्रेंड्स जो हम लोग साथ में घाट बनाए। हाय बाय करना नहीं है, हेलो तहजीब बोल के चीज़ नहीं बोल। मिलते हैं शाम को एक बार घाट पे, हेलो करने के लिए। बाबा लोग की बोल चो पहला ठेकुआ जो बना रहे हैं ना, पहले भगवान को चढ़ता है। भगवान पे जो देखा इसको एक छटा हुआ पहले अग्निदेव को देना पड़ता, ठीक है। अग्निदेव चढ़ाएंगे, उसके बाद हम लोग ठेकुआ बनाएंगे। ये भगवान के लिए, हाँ। ये डाला में सूप में रहेगा, 5-5 करके ठेकुआ असली घी का बनता है, प्योर घी का। ये भगवान के लिए है। कांधी चढ़ता दिखा, ये हम लोग का कांधी केला का चलता है। ये दादी रेडी होते जाते बोलो, की बोलছো? हां बोलो। आइका साया ফিটা ঢুকিয়ে দাও, শাড়ি পরবে। ওকে কি করবে একটু? আমি তোমার ব্লগে তুলছি, তুমি কিছু বলো যেটা গোলু পোস্ট করবে। তুমি পোস্ট করবে, তুমি পোস্ট। तो फिर ये हम लोग का डाला सज गया। अभी शाम होने को है, तो हम लोग को निकलना है। सूरज डूबते हुए उनका एक बार पूजा करना है। हर साल मैं ये कैरी करता हूँ, केला का कांधी। तो हमरे सबाई रेडी हो गए जावर जन्नो। गोलू भाई चलो चलो। तो ये वो मोमेंट है जिसका मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि जहाँ पे इतने फैशनेबल आराम से रहना पसंद करते हैं, वहाँ पे हमें सामान अपने सर पे और अपने कंधे पे लेके चलना पड़ता है, वो भी खाली पैर, चाहे वो कैसा भी रास्ता हो। सो ये एक पॉइंट है जो छठ पूजा पे दिखता है। गोलू भाई के बैग लोग एक एक केला का कांधी लेके जाते हैं और मैं इस बार 2-2 लेके जा रहा हूँ। तो ये सूरज डूबते हुए सूरज का पूजा किया जाएगा कल सुबह उगते हुए सूरज का। तो इसमें जो है हम लोग को समय का भी काफ़ी अच्छा सा मैनेजमेंट दिखता है। हम लोगों को सारे लोग एक साथ उसी समय पे आना जाना करते हैं। और हाँ, छठ पूजा कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि वो लेडीज ही हो। मुझे घाट के साइड में खड़ा रहना पड़ता है ताकि माँ को ऊपर आने पे हेल्प कर सकूँ, पानी पे फिसल कर वो गिर ना जाए एंड सामान बराबर उनके हाथ तक पहुँचा दूँ। सो धीरे धीरे करके जितने भी सामान हम लोग लाए रहते हैं ना, वो एक एक करके जो भी पूजा देते हैं उनके हाथ पे दिया जाता है। वो जल पे टच करके सूर्य को प्रणाम करती है। तो सारा सामान एक एक करके जाएगा, एक एक करके हम अर्घ डालना पड़ेगा। इससे हो जाएगा एक दिन का पूजा ख़त्म। अब सेम प्रोसेस हमें कल भोर को करना है। ये मेरे फूफा जी जो वो छठ पूजा करते हैं, तो जैसे पानी में काम हो जाता है वो ऊपर आके फिर ड्रेस चेंज सबको करना रहता है। एंड इसी तरह उस दिन का पूजा होता है समाप्त। इस तरह का दिया हम लोग इस घाट पे जला के रख देते हैं। कल सुबह फिर यहीं पे आना है। तो आज का शाम निपट गया ना सुबश्री? कैसा लग रहा है? मतलब शादी के बाद ये पहला छठ है ना? चलो ठीक है, बाय बाय दोस्त, बाय बाय। तो फाइनली आज का दिन हुआ खत्म। मिलते हैं कल सुबह, है ना? कल सुबह मिलते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। आज का फाइनल डे जहाँ हम लोग का छठ पूजा अभी खत्म होता है। तो अभी हम लोग निकलने वाले घाट के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडी हो जाता है। अभी आगे सीन कुछ ऐसा मैं दिखा देता हूँ। तो सुबह सुबह नो कुर्ता, जीन्स एंड स्वेट शर्ट, चेक निकलते हैं बाहर। घर में जो लाइटिंग्स हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो लाइटिंग हम लोग छठ पूजा के बाद ही खोलते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक त्यौहार आप बोल सकते हो। इतने सुबह निकलना पड़ता है कि अभी तक अंधेरा ही है। अगर टाइम अगर देखे तो लगभग 4:45 हो रहा है। ए, कौन सा वाइड वाला लिया है? रुक रुक आगे आने दे। काफी मजा आ रहा है सुबह सुबह, पैर पे हेवी लग रहा है। सो ये हर साल ही मैं कैरी करता हूँ केला का कांधी। कल शाम को तो 2-2 कैरी किया था, अभी तो फिर भी चलो रिलैक्स है कि एक कैरी करो। ये वाइब जो अलग है। तो ये छठ पूजा जो है ना, मतलब एक फेस्टिवल त्योहार लोग कहते हैं, बट हमारे लिए ना ये एक इमोशन है। अगर सच बताएं तो ये माहौल कहीं नहीं देखने को मिलता है। इस माहौल का एक अलग ही वाइब्स है। एंड ये छठ पूजा के लिए हम लोग हर साल इंतज़ार करते हैं। दोस्तों के साथ इतना मज़ा, इतनी सारी टाइम स्पेंडिंग एक साथ करते हैं ना, जो पूरे साल नहीं किए रहते। अब देख सकते हो सारा का सारा घाट एक जैसा चमक रहा है। ये हमारा घाट वापस रेडी हो चुका है, बस सूरज उगेगा एंड ये वाली जो दिन है ये फिर अब अगला साल ही हमें मिलने वाला है। तो आइए दिनेश, ये सबसे फाइनल वाला एपिसोड है, ये सबसे फाइनल वाला टाइम भी है हमारे लिए। इसमें क्या दिक्कत रहती है ना कि छठ पूजा बेसिकली ठंडी के टाइम पे ही रहती है एंड हमेशा पानी का जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा कोल्ड रहता है ना, उसमें लोग खड़े रहते हैं काफ़ी देर डूब के। मतलब ये काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग सा एक काम है आप बोल सकते हो। एंड वो लिटरली लोग अच्छा से कर रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी आप देख सकते हो कि इंसान के अंदर पेशेंस होता है कि वो इतने ठंडे पानी पे कैसे खड़े हो सकते हैं, राइट। मतलब शायद मैं आप लोगों को समझा नहीं पा रहा हूँ वो फीलिंग, बट ये काफ़ी मेहनत भरा काम है। रोशनी आ चुकी है, बस सूरज उगने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो जैसे ही उगेगा वहाँ पे पूजा होगी समाप्त। हम लोग अब यहाँ से पैक करेंगे अपने घर, नाश्ता वास्ता करेंगे, अगले साल में जाऊँगा। पूरा छठ पूजा पे ये वाला जो पार्ट है ना, देखिए सब लोग मिलकर इस पर थोड़ा थोड़ा दूध अर्पित करते हैं। इस प्रोसेस का नाम है अर्घ डालना। तो ये फ्रेश दूध जो रहता है हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सामान पे चढ़ाते हैं, जो जो सामान सूर्य पूजा में यूज़ होता है। तो ये सबसे मेन पार्ट है यहाँ पे। और यही नहीं, यही अर्घ डालने के लिए ना लोग काफ़ी सारे आए रहते हैं, तो हम लोग उन्हें भी मौका देते हैं कि वो भी अर्घ डालें। इससे जो भी आप मनोकामना करो तो उस पर थोड़ी फुर्ती मिलती है और कुछ नहीं। ये वाली जो मोमेंट है एकदम एंडिंग वाली मोमेंट है कि अब पूजा सब समाप्त हो चुका है। इधर लोग पानी से ऊपर आ चुके हैं, अब हमें बस सामान को पैक करना है, धीरे धीरे यहाँ से निकलना है घर की ओर। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ बताएं। अब आप लोग भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग पूजा कर रहे हैं ना, सब धीरे धीरे पानी से ऊपर उठ चुका है। अभी वो लोग को भी निकलना है घर के लिए, क्योंकि इसके बाद या तो लोग घर पर आराम करेंगे या फिर कुछ लोग शायद ऑफिस जाएंगे। तो ये सबसे लास्ट पार्ट है कि पूजा हो जाने के बाद ना एक पान के पत्ते में कपूर जला के हम लोग घाट का पूजा करके उसे पानी में दहा देते हैं। फाइनली सब खत्म हो गया, नहीं पूजा भी खत्म यार, बैक टू वर्क। सच में अभी ऑफिस में जाना है थोड़ी देर बाद। फाइनली सब कुछ खत्म, टाइम टू गो टू वर्क। छठ पूजा हुआ समाप्त, अभी यहाँ से हम लोग घर जाएंगे, खाएंगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद ऑफिस जाएंगे। चलिए इसी के साथ ये फेस्टिवल भी खत्म होता है, हम लोग ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, कैसा लगा जरूर बताएं। जय छठ मैया की। जो भी चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे एंड सब जो भी हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।